भाई रात में, क्योंकि इस पूरी ट्रिप पे जिया भाई हम साथ तो हैं। सही बात है, हमने हर जगह आपको जिया भाई, मैं आपको हर जगह दिखते रहेंगे इंशाल्लाह। नए एडिशन इरफान भाई हैं। इरफान भाई को आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स में भी देखा होगा, हमेशा मैं इस्लामाबाद का ट्रिप यहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो एक नया ट्रिप, हम कश्मीर जा रहे हैं, आज़ाद कश्मीर जाएंगे। सुरखी एक गाँव है जो कि आज़ाद कश्मीर का एक गाँव, वहाँ जाएंगे, आपको वहाँ का कुछ ट्रेडिशनल फूड एक्सप्लोर करवाएंगे, कुछ वहाँ का ट्रेडिशन दिखाएंगे। और हैरान कन बात है कि जब हम कराची से चले थे, सब लोग ये कह रहे थे कि बारिश बारिश, अब तक हमें एक बारिश भी नहीं मिली। हम बारिश के लिए बड़े वेट कर रहे हैं बारिश मिले, तो इंशाल्लाह आज स्टार्ट करते हैं नए आज़म के साथ। तो चलते हैं फिर, आपको आज पूरा दिन एक्सप्लोर करवाएंगे। तो ज़िया भाई तो फिर चले। भाई बहुत ही जबरदस्त लोकेशन थी यार, है यार भाई ये कलर सही था, क्योंकि मेरा इलाका है रिटेल वालों को, कलर सही था ये, और यहाँ पे क्राइम रेट जीरो है। आपने देखा जैसे हमें ड्रोन शॉट्स लिए, कितने मुतमिन होकर खड़े हुए, हमने ड्रोन फ्लाई किया आराम से, और फ्लाई करने के बाद हम आराम से जो है ना आगे चले गए। और अब देखे यहाँ से हम निकल रहे हैं, आपको ऐसे बहुत स्पॉट मिलेंगे। अभी तो ये खूबसूरती जो है ना वो शुरू हुई है, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है दोस्त, पिक्चर तो बाकी है, अभी बाकी है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत मतलब ये इंशाल्लाह आप पूरे ट्रेवल को एंजॉय करेंगे भाई। और जो लोग देख रहे हैं, यकीन माने आपको ऐसा कुछ देखने को मिलने वाला है। जिया भाई ने आगे कुछ फूड ऐसे प्लान किए हुए जो शायद इससे पहले किसी ने प्लान ना किया। आपको टंडोला यार के आम दिखाए थे, अब हम आपको दिखा रहे हैं आज़ाद कश्मीर के रास्ते में। इत्तेफाक़ की बात है, वहाँ पर ज़िया भाई साथ थे, यहाँ भी साथ हैं। तो ये देखिए हम इस वक्त फोटो फोटोहार रीजन में, आप देखिए जी, ये बेसिकली जी देसी आम जो है ना, ये जो पेड़ है जिसके नीचे हम खड़े हैं, ये काफ़ी सारे पेड़ ये आपको नज़र आ रहे होंगे, आपको पीछे भी मुख्तलिफ जगहों पे नज़र आ रहे होंगे, ये वो आम है जिनको हम देसी आम, ये जिस तरह उनमें रटोल है उससे मिलती जुलती चीज़ है, लेकिन ये उससे छोटा भी है, और कई जगह पे आपको ये इसका साइज उससे छोटा, कई जगह पे उससे बड़ा मिलेगा। अदील ये वाला, ये जो है ये बड़ा ये चीज़ है, और ये बड़ा मीठा, यानी इसके जो मिठास है, और ये अभी इस सीज़न में अभी इस वक्त ये बिल्कुल तैयार, यानी इसका ये पीक सीज़न है, बिल्कुल छोटे छोटे हैं यार, लेकिन अगर आप ये, और ये अब तो मुझे नहीं पता, लेकिन किसी दौर में ये सैकड़ा के हिसाब से मिला करते थे। अच्छा, यानी ये वो तोल वाला नहीं होता था, ये सौ के हिसाब से ना ये मिला करते थे, और देहातों के अंदर वो टोकरों में उठा के लाया करते थे लोग, और वो आके बेचा करते थे। देखिए गाँव, ये देखिए गाँव में कुआँ, ये कुआँ है गांव का जहाँ पे सब लोग पानी भरते हैं, ये देख रहे हैं सारे पानी भर रहे हैं भाई, लोग खड़े हैं सारे पानी भरने के लिए, सब अपनी पानी भर रही है। वाकई में सुभान अल्लाह, जूस के पाउचेस लगते हैं छोटे छोटे पाउच। और असल बात ये है इरफान भाई कि आम तो घर में भी खाते हैं, लेकिन ये आम के बाग में इस तरह ये बैठ के सबके साथ और दरख्त के पके हुए आम खाने का जो मजा है। एक हफ्ते से मैं आपको आम खिला रहा हूँ बागों में। नहीं, लेकिन आप ये देखें, ये इस इलाके की ट्रेडिशन है। चले भाई, जिया भाई चले चले, बस ये जो भाई इरफान भाई ने बताया कि ये जिस जगह हम रुके थे ये है चुआ खालसा, चुआ खालसा। अदील भाई का भी इलाका है, क्या सीन है ये चुआ खालसा? बेसिकली ये आज़ादी से पहले इस इलाके का नाम था, और ये पूरी बेल्ट में सिखों के, हमारे सिख बरादरी जो हमारे भाई सिख, उनके आबाओ अजदाद यहाँ रहा करते थे। तो आपने देखा कि वो एक पार्टीशन के बाद थे, माइग्रेट करके
यहाँ से कोई अमृतसर चला गया, कोई कहाँ चला गया, ये बेल्ट है टोबाटेक सिंह सियालकोट, ये सारी सिख बरादरों की हमारे भाइयों की बेल्ट है। तो ये पुरानी बेल्ट सिखों की थी, इसने आपने देखा बहुत सी जगहों पे अभी भी हमारे सिख बरादरों के नाम तक लिखे हुए जगहों पे, अभी भी नाम से एसोसिएट है। जो मैंने भी कुआं दिखा, ये कुआं भी तकरीबन 150 से 200 साल पुराना कुआं है, जिससे जो लोग यहाँ से पानी भर रहे थे। बात ये खाने का तो रिव्यू दे दिया है वैसे ज़िया भाई ने अच्छा, लेकिन मैं बताऊंगा मैं मछली दोबारा ट्राई करूंगा, कि मछली जो है ना मुझे बहुत पसंद आई है। और इरफान भाई आपकी रिकमेंडेशन भी थी, जैसे मैंने बताया कि डैम की मछली है ये, यही पूछा था मैंने कहा अगर आप ये शो रहे, क्योंकि देखें अगर आपको यहाँ बैठ के भी फार्म की मछली खानी है, अब देखें ना ये मछली के मैं कीमा जो खाया खा रहा हूँ उसको दोबारा देखा तो बहुत मज़ा आया, ट्राई करते हैं दोबारा। बिस्मिल्लाह। अचार देसी अचार खट्टा मज़ा आ गया, ओवरऑल खाना बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी बात है बात बात पे गर्म रोटी आ रही है, असल चीज़ है कि खाना फ्रेश है बिल्कुल ना, गर्म रोटी आ गई। यहाँ रखी आपको यहाँ रखी चारा जो होता है ना उसका टेस्ट ही अलग बस ठीक है। एक जंगल में देहात में बैठ, हाँ एक माहौल में बैठे हुए ना आपको जो है ना वो इस माहौल के मतलब प्राइसलेस माहौल है ना, ये मिलता कहीं नहीं ना। दूसरा पहले हमने आम की जगह के जब गए हम आम देखे वो भी अलग एक्सपीरियंस था हमारा, फिर यहाँ पे तो इंशाल्लाह भी आ गया। इरफान भाई हमारे रहनुमा हैं आज माशाल्लाह, इन्हीं की बदौलत हम ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं बेशक। तो ये कि इंशाल्लाह जो आज का पूरा दिन बहुत ही एडवेंचर्स होने वाला है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो कीप वॉचिंग ऑल कॉन्टेंट, चलते हैं फिर आगे। जी आदिल भाई कहाँ तक पहुँचे हम? हम दाखिल हो गए हैं कश्मीर में, ये भाई देख रहे हैं जिग जैग रास्ते शुरू हो गए हैं, कश्मीर में दाखिल हो गए हैं। और पहाड़ी इलाके जो है ना वो जरा जो माहौल बनता है नॉर्दर्न एरियाज का वो शुरू हो गया है। एक तो यहाँ पर खूबसूरत लगता है माहौल बनता है, और वाकई में माहौल चेंज हो गया है। पिछला माहौल में फील डिफरेंट हो गई, देखें ना आप स्ट्रक्चरल फील डिफरेंट हुई है, आपकी जो हिल है उसका टेक्सचर चेंज हुआ है, प्लांट्स चेंज हुए हैं, तो अब बहुत बड़ा जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों तरफ अजीब किस्म की फीलिंग चेंज हुई है। तो चले दाखिल हो गए कश्मीर में, आज रात को से समझे हम कश्मीर से शुरू हो गया हमारा, आज स्टे करेंगे यहाँ पे, कल और जगह एक्सप्लोर करेंगे। डान गली बड़ी मशहूर और तारीखी जगह है, और इसके आपके जो मेरे बिल्कुल पीछे जो है ये कश्मीर शुरू हो जाता है, यानी जो आज़ाद कश्मीर है डिस्ट्रिक्ट मीरपुर, और इस साइड पे पंजाब, और ये जो है ये लास्ट पॉइंट है जहाँ से पंजाब ख़त्म होता है, और बीच में ये दरियाए झेलम है, और झेलम के इस साइड पे पंजाब, और दरियाए झेलम के उस साइड पे कश्मीर और मीरपुर का इलाका शुरू हो जाता है। देखिए इस वक्त हम गुजर रहे हैं दान गली के ब्रिज पे थे जिया भाई, ये वो ब्रिज है जो पंजाब को कश्मीर को मिलाता है, सामने कश्मीर है, ये दान गली, हम इस वक्त मंगला डल में गुजर रहे हैं। चलिए फिर आपको दिखाते हैं आज की यहाँ की खूबसूरत शाम। कितने अरसे के बाद दरख्त पे बड़ा हो गया यार, ये अंजीर लगी हुई है जी। दोस्तों आखिरकार पहुंच गए हम अपनी जगह पे सुरखी में, ये हमारे घर पहुंच चुके हैं। जिया भाई कैसा रहा सफर? बहुत ही जबरदस्त रहा, और ये जिस लोकेशन पे आए हैं ये देख के तो जो है ना वो जो सफर की थकन थी वो उतर गई, क्योंकि चारों तरफ जो है वो हरियाली है, खूबसूरत मंदिर है, और चारपाइयाँ बिछी हुई है, जबरदस्त माहौल। रात में आपको यहाँ सुलाएंगे इस जगह पे, यहाँ पे बॉन फायर करेंगे और रात में आपको यहाँ सुलाएंगे इंशाल्लाह। सूरत बंद रहे बहुत आनंद, आप देखें बर्ड्स की आवाज़ आपके कानों में भी आ रही है, पूरा जंगल वाला माहौल। यार मज़ा आ गया खाना खाने का, ख़ास तौर पे ये जो लस्सी का साग है वो यहाँ की स्पेशलिटी है। देखिए इरफान भाई थैंक यू वेरी मच, और बहुत मज़े का साग था। खाने का रिव्यू तो ज़िया भाई पूरा दे चुके हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि अब मिलते हैं आपसे आगे। ओवरऑल खाना सुपर्ब था, मज़ा आ गया खाने का, अब मिलते हैं खाने के बाद आपसे।
दोस्तों आज का कंटेंट यहाँ ख़त्म कर रहे हैं, चरपाइयाँ लगी हुई हैं, मौसम बहुत सुहाना है और ज़िया भाई आप भी अजय भाई आज मेरे पलंग पे लेट गए। चले भाई तुम आज ख़त्म करें अपने ब्लॉग, क्योंकि अभी कल से जो कुछ दिखाने वाले हैं शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। नेक्स्ट एपिसोड को देखिएगा, इस एपिसोड को जरूर पसंद किया होगा। जिन्होंने अब तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब रिक्वेस्ट कर दें उनको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत सारी इन्होंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं चैनल के ऊपर और मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस भी आने वाली हैं, तो डू सब्सक्राइब अडील। तो जज़ाकअल्लाह, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जज़ाकअल्लाह, अपनी चारपाई पे चले गए, अभी चारपाई ये वाली। चलो भाई क्या सितारे नज़र आ रहे हैं, मज़ा आ गया, तारे ऐसे हैं।